नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज दिनांक 8 जून 2021 को कानपुर महानगर में सर्वप्रथम करणी सेना छात्र शक्ति द्वारा सभी पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपसभापति लोकप्रिय पार्षद नवीन पंडित को सभी पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया, जिसमें कहा कि गोविंद नगर गोपाला चौराहा से पृथ्वीराज चौहान चौराहे को विकसित किया जाए और उस पर आर में पृथ्वीराज चौहान की बड़ी प्रतिमा लगाई जाए, जिस पर जल्द से जल्द डॉक्टर नवीन पंडित एवं महापौर प्रमिला पांडे द्वारा कार्यकारिणी सदन में प्रस्ताव रखा जाए। बहुत जल्द गोपाला चौराहा को पृथ्वीराज चौहान विकसित भी किया जाएगा, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने गंगा वैराज महामंत्री अमन कुमार के यहाँ जिला उपाध्यक्ष गिरीश शर्मा द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। साथ ही पदाधिकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हुए प्रार्थना करी कि कोरोना काल जैसी बीमारी से सभी को सुरक्षित रखे। साथ ही साथ कानपुर जिला अध्यक्ष छात्र शक्ति तुषार शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जतिन राजपूत, जिला उपाध्यक्ष गिरीश शर्मा, जिला प्रवक्ता अरुण शर्मा, जिला सहमंत्री आशुतोष पांडे, जिला महामंत्री अरुण कुमार, जिला मंत्री अभय सचान, जिला सदस्य सुमित कुमार, जिला सहमंत्री अंकित वाजपेयी, जिला मंत्री विशाल सचान, साथ में अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।